उन लोगों की लिस्ट बनाई है और करीब 1.5 लाख लोग चिन्हित किए गए। जयपुर से अब खबर। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज 53 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। भरतपुर में 27, कोटा में 5 पॉजिटिव मिले, नागौर में 12, जयपुर में 3, जोधपुर अजमेर में 2-2, बांसवाड़ा नागौर जैसलमेर में 1-1 पॉजिटिव सामने आए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1282 पहुंच चुकी है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 497 हो चुकी है, जोधपुर में 156, कोटा में 97, टोंक में 93, भरतपुर में 70, बांसवाड़ा में 60, झुंझुनू में 36, बीकानेर में 35, जैसलमेर की अगर बात करें तो 31, भीलवाड़ा में 28, झालावाड़ में 18, अजमेर में 17, नागौर में 26, चूरू में 14, दौसा में 13, अलवर में 7, डूंगरपुर में 5, उदयपुर में 4, करौली में 3, पाली सीकर प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ में 2-2, बाड़मेर और धौलपुर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव। ईरान से लौटे यात्रियों में अब तक 60 पॉजिटिव मिले हैं। इटली से आए 2 पर्यटक भी पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में अब तक 19 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। जयपुर में 9, भीलवाड़ा कोटा और जोधपुर में 2-2, बीकानेर अलवर और टोंक में भी 1-1 मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के एक नागरिक की भी मौत। प्रदेश में अब तक 183 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और 93 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। न्यूज रूम का रुख फिलहाल करेंगे। हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। लोकेश, देखिए लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 1283 ये संख्या पहुंच चुकी है। ऐसे में एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आंकड़ों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन रैपिड टेस्ट किट जो अभी आए हैं और उनके द्वारा इलाज किया जा रहा है। देखिए लोकेश, जब भी कोई व्यक्ति किसी वायरस का शिकार होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं और उन्हीं एंटीबॉडीज का पता रैपिड टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए जो पीसीआर टेस्ट हैं उनकी भी, पीसीआर टेस्ट किट की भी बिल्कुल कमी नहीं है। रैपिड टेस्ट के जरिए भी जांचें की जा रही हैं। तो रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट आखिर हैं क्या, वो आप दर्शकों को पहले बता दें, उसके बाद हम आंकड़ों की बात करेंगे। रैपिड टेस्ट किट एक छोटा किट होता है और उसी के जरिए, एक ब्लड के जरिए, एक छोटी सी बूंद के जरिए सैंपल लिया जाता है और उसी से कोरोना की जो जांच है वो की जाती है। जो प्रारंभिक अवस्था में जब कोरोना का जो सिम्टम्स है उसके बारे में पता लगाया जाता है और उसी के जरिए, जो ब्लड के जरिए यहाँ पर जो जाँच है वो की जा सकती है और उसका तुरंत पता लगाया जा सकता है कि ये कोरोना के सिम्टम्स है या कोरोना का जो पॉजिटिव है या नहीं है, या भविष्य में कभी ऐसे कोरोना का जो पॉजिटिव कहीं बन तो नहीं रहा है। ऐसे में अगर ऐसा संदिग्ध आता है तो उसका तुरंत इलाज किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से पहले जो जांच प्रक्रिया चल रही थी उसमें लंबा समय लग रहा था, लेकिन इसके जरिए जो प्रारंभिक अवस्था में पता लगाया जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। रैपिड टेस्ट किट जो प्रदेश में, जो राजस्थान पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जो पहली बार जो रैपिड टेस्ट किट के जरिए जाँच कर रहा है कोरोना की, और उसी के तहत जयपुर के रामगंज क्षेत्र में सबसे पहले इनकी जो कोरोना की जो जाँच है रैपिड टेस्ट किट के जरिए वो हो रही है। जिस तरह से बीते दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रदेश में पहले बार इनकी जो रैपिड टेस्ट किट की जांच है वो शुरू होगी, और आज करीब जो पूरे जयपुर के रामगंज की बात करें तो रामगंज में करीब 5000 लोगों की रैपिड टेस्ट किट के जरिए जांच की जाएगी, जो एक बड़ी बात की जा सकती है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज तकरीबन जयपुर में जो 10000 रैपिड टेस्ट किट है वो और आने वाले हैं। इससे एक काफ़ी इनकी जो प्रदेश के चिकित्सा विभाग के लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है कि जल्दी से जल्दी जो कोरोना पॉजिटिव की जो जांच होगी और उससे पता लगाया जा सकेगा कि कौन पॉजिटिव और कौन संदिग्ध है और कौन अभी कोरोना के खतरे से दूर है, ताकि जो कोरोना संक्रमित है उनका पता लगाने के बाद में उनको इलाज किया जाए और उनके संपर्क में आने वालों या संदिग्ध को क्वारंटाइन किया जाए। इन सभी बातों को लेकर ही रैपिड टेस्ट किट का इनकी जो जाँच है वो की जा रही है। इसी के बाद में बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों के अंदर जयपुर में पिछले 3 दिन से आंकड़े कम देखने को मिले, लेकिन जयपुर के बाहरी परकोटे के बाहरी क्षेत्रों में जो कोरोना के जो पॉजिटिव है, एक एक कोरोना पॉजिटिव, जैसे वैशाली में एक कोरोना पॉजिटिव मिला, मानसरोवर में एक मिला था और नार जो जमवारामगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिव मिला था। ऐसे में जो दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पॉजिटिव की संख्या कम हुई है लेकिन दायरा बढ़ता जा रहा है, वो एक चिंता की बात है, लेकिन फिर भी चिकित्सा विभाग सतर्कता से काम कर रहा है और उसी क्षेत्र में जहाँ कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वहाँ पर सील किया जा रहा है और तमाम वहाँ पर स्क्रीनिंग और जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो तेजी से शुरू की जा रही है उन क्षेत्रों में भी। इसी तरह
बात करें तो प्रदेश भर की, तो प्रदेश भर में अब तक जो 1282 कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें जयपुर में सबसे अधिक अब तक जो 497 कोरोना पॉजिटिव है वो सामने हैं। हालांकि देखो बताना चाहूँगा, बीते दो दिन में भरतपुर में तेजी से जो आंकड़े हैं कोरोना के वो नज़र आ रहे हैं। आज कोरोना के भरतपुर में 27 कोरोना पॉजिटिव जो अब तक सामने आ चुके हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। और भरतपुर में 70 कोरोना पॉजिटिव है वो अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह बात करें तो नागौर में बीते दो दिन से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या आ रही है, वहाँ पर 26 कोरोना पॉजिटिव वो हो चुके हैं। जोधपुर में जो प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ रहा है कोरोना पॉजिटिव की संख्या पर, तो वहाँ पर भी 156 कोरोना पॉजिटिव है वो हो चुके हैं। कोटा की बात करें तो कोटा में भी लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वहाँ पर 97 कोरोना पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं। और अब जो आज कोरोना पॉजिटिव आए वो उस क्षेत्र से बाहर है जहां पहले कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे, तो ये भी एक चिंता की बात है कोटा के लिए भी। लेकिन वहां पे भी चिकित्सा विभाग की टीमें, वहां का मेडिकल कॉलेज और सीएमएचओ लगातार संपर्क कर रहे हैं, और वहां पर भी स्क्रीनिंग तेजी से की जा रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए तमाम जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग तेज की जा रही है, वहाँ के एरिया को सील किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिन 8 जिलों में अभी तक एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया, वहाँ पर भी लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में भी वहाँ के सीएमएचओ जिला जो कलेक्टर है उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से बचाया जा सके, कोरोना केसेस नहीं आए और वहाँ के जनता को किस तरह से कोरोना से बचाया जा सके, इन सब चीज़ों को लेकर निर्देश दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें जिस प्रकार से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तमाम प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स लगातार मुस्तैद हैं और अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा रहे हैं।